दोस्तों, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज के ये वीडियो आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एटीएम कार्ड और नेट बैंकिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शरीफ और आप देख रहे हैं न्यू टेक एडवाइस। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.pnbindia.in पर आना होगा। वेबसाइट पर विजिट करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से ये इंटरफेस आ जाएगा। वेबसाइट को ओपन करने के बाद दोस्तों, आप राइट साइड में यहाँ देखेंगे लिखा हुआ ऑनलाइन सर्विसेज, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने पांच ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सेविंग अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, आपके सामने पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें सबसे लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसमें लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ओपन द ऑनलाइन सेविंग अकाउंट विदाउट ई साइन फैसिलिटी, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक जानकारी फिल करनी है। जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर आपको सिलेक्ट स्टेट लिखा हुआ है, इसमें दोस्तों सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट सिटी लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आपकी जो सिटी है वो सिलेक्ट करना है आपको। इसके नीचे दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच लिखा हुआ है, इसमें जिस ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस ब्रांच को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट अकाउंट टाइप, इसमें अगर आप इंडिया में रहते हैं तो डोमेस्टिक पर क्लिक कर दीजिए, अगर आप NRI हैं तो NRI के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो फिलहाल मैं इसे डोमेस्टिक ही रहने देता हूं। इसके नीचे दोस्तों, यहां पे कस्टमर नेम लिखा हुआ है, इसमें आपको अपना नाम डाल देना है। जो भी आपका नाम है वो नाम आप यहां पे डाल दीजिए। इसके नीचे दोस्तों, यहां पर कस्टमर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके नीचे दोस्तों, यहां पे कस्टमर ईमेल आईडी लिखा हुआ है, इसमें आपकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहां पे डाल दीजिए। इसके नीचे दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स के अंदर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों, आप नीचे देखेंगे तो यहां पर एक सबमिट का बटन दिया हुआ है, आपको इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आपके मोबाइल पर एक टेंपरेरी कस्टमर रेफरेंस नंबर आएगा, आपको उस रेफरेंस नंबर को नेक्स्ट पेज में डालना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो आपके मोबाइल पर TCRA नंबर आया है वो नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके मोबाइल पर TCRA नंबर नहीं आया है तो आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने डाला है वो चेक कर लीजिए, आपके ईमेल पर ईमेल आया होगा जिसमें TCRA नंबर लिखा होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना TCRA नंबर डाल देता हूँ। TCRA नंबर डालने के बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आपका जो TCRA नंबर है वो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाजू की साइड में यहाँ पर आप जो ब्रांच सिलेक्ट किए होंगे उस ब्रांच का नाम आ जाएगा। इसके नीचे फिर यहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है, इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। पर्सनल डिटेल्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है टाइप ऑफ अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करके आप जिस टाइप का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर है सेविंग फंड जनरल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके नीचे दोस्तों, यहाँ पर कस्टमर टाइप दिया हुआ है, इसके सामने अगर आप पब्लिक हैं तो पब्लिक सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप स्टाफ के मेंबर हैं तो स्टाफ सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप अदर किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, मैं यहाँ पर पब्लिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके नीचे दोस्तों, यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, नेम के आगे दोस्तों जो आपके आधार कार्ड पर आपका नाम लिखा हुआ है वही नाम आप यहाँ पे डालिए। नाम डालने के लिए सबसे पहले टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपका टाइटल है वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसके सामने फिर आप अपना नाम डाल दीजिए। इसके नीचे दोस्तों, फादर एंड गार्जियन नेम के लिए दिया हुआ है, इसके सामने आप अपने फादर या फिर गार्जियन का नाम डाल दीजिए। इसके नीचे दोस्तों, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। इसके नीचे दोस्तों, यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है, अगर आप मेल के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मेल सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप फीमेल के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फीमेल सिलेक्ट कर लीजिए। इसके नीचे दोस्तों, यहाँ पे मदर नेम के लिए दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने मदर का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। इसके नीचे दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेंट मेरिटल स्टेटस के लिए दिया हुआ है, इसके सामने क्लिक करके आप अपने मेरिटल स्टेटस को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड सिलेक्ट करिए, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके नीचे दोस्तों, यहाँ पे रिलीजन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो रिलीजन है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। इसके नीचे दोस्तों, कैटेगरी दी हुई है,
है इसके सामने क्लिक करके आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको पेंशन के लिए दिया हुआ है, इसके सामने क्लिक करके आपका जो भी व्यवसाय है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप जो भी काम करते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे दोस्तों एनुअल इनकम दी हुई है, इसके सामने क्लिक करके आपकी जो भी इनकम है वो इनकम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर पैन नंबर दिया हुआ है, इसके सामने क्लिक करके आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है, इसके सामने आपको आपके आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे नेशनलिटी पूछ रहा है, इसके सामने क्लिक करके आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर मोड ऑफ ऑपरेशन लिखा हुआ है, इसके सामने सेल्फ ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर कस्टमर एड्रेस के लिए दिया हुआ है, इस कॉलम में आपको आपका एड्रेस फिल करना है। एड्रेस को फिल करते वक्त दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ है आपको सेम वही एड्रेस यहाँ पर डालना है। सबसे ऊपर दोस्तों आपको अपने हाउस का नंबर डालना है, उसके नीचे दोस्तों स्ट्रीट नेम डालना है। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद इसके नीचे सिलेक्ट सिटी लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपके जो सिटी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आपसे आपके एरिया का पिन कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे दोस्तों आपसे यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पूछ रहा है, आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको आइडेंटी प्रूफ सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आईडी नंबर दिया हुआ है, इसमें आप अपने आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। इसके नीचे यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए पूछ रहा है, इसके सामने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे एड्रेस प्रूफ आ जाएंगे, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अभी आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड हमारा आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों में काम आ जाएगा। इसके नीचे फिर एड्रेस आईडी नंबर दिया हुआ है, इसमें भी आपको आपके आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। पूरे फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एंड प्रोसीड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर माइनर डिटेल्स पूछ रहा है, अगर आप किसी माइनर यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर एस करके डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नो कर दीजिए। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स के लिए दिया हुआ है, अगर आप किसी को नॉमिनी रखना चाहते हैं तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे तो यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे एस करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके नॉमिनी की डिटेल्स डालनी होगी, जैसे यहाँ पर आपको आपके नॉमिनी का नेम डालना होगा, उससे आपका क्या रिलेशनशिप है वो डालना होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर उसका एड्रेस डालना होगा, उसके बाद फिर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो फिलहाल मैं इसे नो कर देता हूँ, मैं अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनी नहीं रखना चाहता हूँ इसलिए मैं इसे नो कर दूंगा। नो करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आगे फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेस रिक्वायर्ड, मार्क चेक बॉक्स फॉर द रिक्वायर्ड सर्विसेस। यहाँ पर कुछ सर्विसेस दिए हुए हैं, उनके सामने बॉक्स बने हुए हैं, आप जो सर्विस लेना चाहते हैं उनके सामने क्लिक कर दीजिए। तो पहला सर्विस यहाँ पर डेबिट कार्ड है, दूसरा चेक बुक, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो फिलहाल मैं ये पूरी सर्विसेस लेना चाहता हूँ इसलिए मैं डेबिट कार्ड के सामने क्लिक कर देता हूँ। चेक बुक भी चाहिए, उसके बाद फिर इंटरनेट बैंकिंग भी चाहिए, उसके बाद फिर मोबाइल बैंकिंग भी लेना चाहता हूँ, तो मैं इसके सामने भी क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेक बुक लेने के लिए आपको ब्रांच में जाना होगा, ब्रांच में जाके आप अपना चेक बुक ले सकते हैं। सर्विसेज को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इंडिया के बाहर टैक्स भरते हैं, इसके सामने एक सिलेक्ट लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे नो कर देंगे। इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं फिलअप करना है, पूरा फॉर्म ऐसे कैसे छोड़ देना है। उसके बाद फिर और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये पूरा कॉलम्स आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड प्रोसीड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि आपका अकाउंट ओपन होने के लिए रेडी है, अब आपको 7 दिनों के अंदर आपने जो ब्रांच सिलेक्ट किया है उस ब्रांच में विजिट करना है, साथ ही में आपको आपके मोबाइल पर जो TCRA नंबर आया था वो नंबर, एक फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एक फोटो कॉपी के साथ ओरिजिनल को भी साथ में लेके जाना है। उसके बाद फिर ब्रांच में आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई करने के बाद आपको आपका अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपकी पूरी सर्विसेज नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह भी वहीं पर आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपने जो ब्रांच सिलेक्ट किया था उस ब्रांच का फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप
चाहे तो इस नंबर के द्वारा भी ब्रांच से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप यूट्यूब पे लाइक का बटन जरूर दबाइए, साथ ही इसे अपने दोस्तों का भी शेयर करिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। फिलहाल दोस्तों इसी वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।